Hello students, welcome to my YouTube channel. Today we will learn how to write up formal letters. English ki class 10th, 12th, 9th ya kisi aur choti class ki baat kare hum log to yahan pe hame aavashyakta hoti hai formal letter ki ya phir business letter ki. To uska format kya hoga, kaise hame us letter ko likhna chahiye, kab kya likhna hai, कब क्या नहीं लिखना है, ये सारी चीज़ों के बारे में मैं आज यहाँ पे डिस्कशन करने वाला हूँ. तो यहाँ पे लिखा हुआ है एड्रेसेस. इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे हम लोगों को सबसे पहले लिखना है योर एड्रेस. योर एड्रेस मीन्स द पर्सन हु इज सेंडिंग द लेटर, हियर वी हैव टू राइट हीज और हर एड्रेस. एंड अब हम लोग यहाँ पे सेंडर्स का एड्रेस लिख तो देंगे, लेकिन लिखना कहाँ पर है ये लिखना हम लोगों को. इट शुड बी रिटन ऑन द टॉप ऑफ द लेफ्ट हैंड कॉर्नर, कि ये हम लोगों को लेफ्ट हैंड कॉर्नर पे लिखना है और सबसे ऊपर हम लोगों को इसे लिखना है. सेकंड नंबर पे बात आती है डेट की. तो डेट आएगा जस्ट सेंडर एड्रेस के नीचे, जस्ट उसके नीचे हम लोगों को लिखना है यहाँ पर डेट. और डेट के कुछ फॉर्मेट्स हैं जो कि मैंने यहाँ पर बताए हैं. पहला फॉर्मेट है 20 मार्च 2019. हम इस टाइप से भी लिख सकते हैं मार्च 20 2019. इस टाइप से भी हम लोग लिख सकते हैं. आइए देखते हैं कि डेट के बाद में क्या यूज़ करेंगे हम लोग यहाँ पे. द एड्रेस ऑफ द पर्सन यू आर राइटिंग टू, इट मीन्स दैट द पर्सन हुम आर यू सेंडिंग द लेटर, हियर वी विल राइट द एड्रेस ऑफ द रिसीवर्स. तो यहाँ पे हम लोग रिसीवर का एड्रेस लिखेंगे. रिसीवर का एड्रेस यहाँ पे लिखा होना चाहिए और ये जस्ट नीचे रहेगा, ये भी लेफ्ट हैंड कॉर्नर पे रहेगा और जस्ट डेट के ये नीचे मीन्स डेट के बिलो लिखेंगे हम लोग इसको. फोर्थ नंबर पे आता है सब्जेक्ट. सब्जेक्ट तो सब्जेक्ट में हम लोग लेटर क्यों लिख रहे हैं उसका रीजन लिखेंगे हम लोग यहाँ पे. हियर यू हैव टू राइट द रीजन दैट व्हाई आर यू राइटिंग और सेंडिंग द लेटर. हम लोगों यहाँ पे हमारे रीजन को, हम लोगों को यहाँ पे सब्जेक्ट को हम लोगों को डिफाइन करना होगा कि हमें ये लेटर लिखने की ज़रूरत क्यों पड़ रही है. हियर द नेक्स्ट इज सेल्यूटेशंस और ग्रीटिंग्स. आप लोगों ने देखा होगा कि हम लोग सब्जेक्ट लिखने के बाद में सेल्यूटेशन लिखते हैं, डियर सर, डियर मैम, रिस्पेक्टेड सर, रिस्पेक्टेड मैम. तो यहाँ पे मैंने फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे एक्सप्लेन किया है डियर सर और मैडम. इफ़ यू डोंट नो द नेम ऑफ द पर्सन यू आर राइटिंग टू यूज़ दिस, अगर आप नहीं जानते उस पर्सन को तो हम लोगों को क्या यूज़ करना है यहाँ पे डियर सर और मैम. इट इज़ ऑलवेज एडवाइजेबल टू ट्राई टू फाइंड आउट द नेम. ये हमारे लिए एडवाइजेबल होता है कि हम लोग उसका नेम फाउंड कर सकें. इट इज़ यूज फॉर द नॉन गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन, और ये तब यूज़ किया जाता है जब हम किसी नॉन गवर्नमेंट ऑफिस में या इंस्टीट्यूशन में ये लेटर सेंड कर रहे हैं. रिस्पेक्टेड सर मैडम, इट कैन बी यूज व्हेन यू आर राइटिंग लेटर टू एनी गवर्नमेंट ऑफिस और ऑफिसर्स. या तो ये रिस्पेक्टेड सर और रिस्पेक्टेड मैडम का हम लोग जब लिखेंगे सैल्यूटेशन में, जब हम हमारा लेटर किसी गवर्नमेंट एम्प्लॉय को, किसी गवर्नमेंट ऑफिसर को सेंड कर रहे हैं. नेक्स्ट आएगा यहाँ पे बॉडी कंटेंट. हियर यू हैव टू राइट द बॉडी कंटेंट ऑफ द लेटर. यहाँ पे आप लोग को लिखना है सारी चीज़ें कि आप कौन हैं, क्या हैं, पूरी बॉडी कंटेंट आपको लिखना है. एंडिंग अ लेटर, अब आपको लेटर को एंड क्या कैसे करना है. बॉडी कंटेंट भी लिख दिया आपने, सारी चीज़ें लिख दी यहाँ पे, तो अब आप बॉडी कंटेंट लिखने के बाद में आपको लेटर को एंड कैसे करना है. तो यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट ही लिखा हुआ है यूअर्स फेथफुली. इफ यू डोंट नो द नेम ऑफ द पर्सन एंड द लेटर दिस वे, हियर यू हैव टू एड योर नेम बिलो योर्स फेथफुली. आपको यहाँ पे यूअर्स फेथफुली का यूज़ करना है जब आप उस पर्सन के बारे में नहीं जानते हैं. यूअर्स सिंसियरली, इफ़ यू नो द नेम ऑफ द पर्सन एंड द लेटर दिस वे, तो आपको अगर आप उस पर्सन का नेम जानते हैं तब आपको सिंसियरली लिखना है. हियर यू हैव टू एड योर नेम बिलो यूअर्स फेथफुली. यूअर्स फेथफुली, यूअर सिंसियरली के बाद में आपको आपका नाम लिखना है यहाँ पर. आगे देखते हैं हम लोग योर रेगुलर कस्टमर भी आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं. जब आप नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को, ऑफिसर को यहाँ पे लेटर सेंड कर रहे हैं तो आप यहाँ पे योर रेगुलर कस्टमर भी यहाँ पे लिख सकते हैं. ये बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट रहेगा, बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा. यू कैन ऑल्सो एड हियर दैट यू आर हिज और हर रेगुलर कस्टमर. हियर यू हैव टू एड योर नेम बिलो योर्स फेथफुली. आपको यहाँ पर नाम लिखना है. थर्ड पॉइंट यहाँ पर आ जाएगा योर सिग्नेचर. आपको यहाँ पे अब आपके सिग्नेचर लिखना है. अब आपको यहाँ पे सिग्नेचर लिखना है. सिग्नेचर साइन योर नेम देन द प्रिंट इट अंडरनीथ द सिग्नेचर. सबसे पहले आपको जब एड यहाँ पे आप एंड करने वाले हैं इस लेटर को, यूअर फेथफुली लिखने के बाद आपको आपका नाम लिखना है,
सिग्नेचर करना है। हम अब इस एक फॉर्मेट लेटर, एक फॉर्मल लेटर मैंने यहाँ पे लिखा है, एक बिजनेस लेटर मैंने यहाँ पे लिखा है जो किसी कंप्लेन के लिए लिखा गया, हम लोग इस चीज़ को समझेंगे यहाँ पे। तो आइए देखते हैं कि एक फॉर्मल लेटर कैसे लिखा जाता है। यू आर सुमन सुमित फ्रॉम 40 राज मंदिर गली इंदौर। यू हैव परचेस्ड मोबाइल फ़ोन फ्रॉम महाकाली मोबाइल सॉल्यूशन धामनोद। आफ्टर परचेसिंग ऑफ फ्यू डेज मोबाइल स्टार्टेड टू क्रिएट प्रॉब्लम्स, राइट अ कंप्लेन लेटर टू द डीलर। अब हम लोगों को यहाँ पे क्वेश्चन समझना होगा कि हम लोगों ने कोई एक मोबाइल ख़रीदा था, उसका एड्रेस भी दे दिया है यहाँ पे, हमारा एड्रेस भी यहाँ पे दे दिया है, हमारा एड्रेस भी दे दिया है यहाँ पे उसने। तो आइए देखते हैं कि हम लोग कैसे लिखेंगे। सबसे पहले मैंने जब आपको बताया था फॉर्मेट बताया था उसका, तो सबसे पहले मैंने आप लोगों को बताया था यहाँ पे कि सेंडर्स एड्रेस लिखेंगे, जो भी एड्रेस यहाँ पे हम लोग यहाँ पे सेंडर्स का एड्रेस लिखेंगे, जो भी लेटर को सेंड कर रहा है उस पर्सन का हम लोग यहाँ पे एड्रेस लिखेंगे। तो यहाँ पे उसने दे दिया है कि आप सुमन हो और सुमित हो फ्रॉम 40 राज मंदिर गली इंदौर। तो सबसे पहले हम लोगों ने लिखा 40 राज मंदिर गली इंदौर, पिन कोड भी लिख दिया आप लोगों ने, जो भी पिन कोड हो 6 डिजिट का आपको लिख देना है। अब सेंडर्स एड्रेस के बाद में मैंने आप लोगों को बताया था फॉर्मेट में कि सेंडर्स एड्रेस के बाद में आपको डेट लिखना है, डेट भी मैंने यहाँ पे मेंशन कर दी 15 मार्च 2018। अब आपको लिखना है उस पर्सन का एड्रेस जिसे आप लेटर सेंड कर रहे हो। लेटर यहाँ पे हम किसे सेंड कर रहे हैं, महाकाल मोबाइल सॉल्यूशंस को, महाकाली मोबाइल सॉल्यूशंस को धामनोद। अब यहाँ पे लिखना हम लोगों को सब्जेक्ट कि हम लोग लेटर क्यों लिख रहे हैं। तो सब्जेक्ट में हम लोगों ने यहाँ पे लिखा है रिप्लेस और रिपेयर द डिफेक्टेड मोबाइल फ़ोन, कि अभी मोबाइल फ़ोन है जो ठीक से काम नहीं कर रहा है, इसलिए इसे क्या कर लीजिए आप, रिप्लेस कर लीजिए। तो आइए देखते हैं। अब यहाँ पे हम लोगों ने यूज़ किया है डियर सर एंड मैम सैल्यूटेशन का यूज़ किया है हम लोगों ने यहाँ पे, तो देखते हैं और उसका बॉडी कंटेंट क्या होगा। आई एम सुमन और सुमित रेसिडेंट ऑफ 40 राज मंदिर गली इंदौर। यहाँ पे हम लोगों ने सबसे पहले अपने खुद के बारे में बताया, सेंडर के बारे में बताया है। लास्ट वीक आई हैव परचेज द सैमसंग मोबाइल फ़ोन फ्रॉम योर शॉप, बट कैमरा क्वालिटी इज़ नॉट गुड, स्पीकर इज जैरिंग, नॉट गिविंग क्लियर साउंड एंड स्क्रीन इज आल्सो नॉट वर्किंग प्रॉपरली। हम लोगों ने यहाँ पे बताया कि हम लोगों ने लास्ट वीक एक मोबाइल ख़रीदा था इनसे, लेकिन उसका स्पीकर में प्रॉब्लम है, कैमरा क्वालिटी ठीक नहीं है, स्पीकर जेयरिंग है, इसकी क्वालिटी ठीक से नहीं है, स्क्रीन भी ठीक से टच नहीं हो पा रही है। आई फील चीटेड आफ्टर स्पेंडिंग मोर देन 30,000 रुपीज़, कि मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे साथ चीट किया गया है, मैंने यहाँ 30,000 रुपये स्पेंड किए हैं। सो प्लीज़ रिपेयर और रिप्लेस इट एज सुन एज पॉसिबल, तो जितना जल्दी हो सके आप इसे रिप्लेस कर लें या फिर रिपेयर करके दे दें। आई हैव सेंड यू 3 रिमाइंडर्स बट यू शो नो अर्जेंसी, कि मैंने आपको पहले भी 3 रिमाइंडर्स सेंड कर दिए हैं लेकिन आपने कोई भी अर्जेंसी नहीं बताई, आपने उसका कोई भी रिप्लाई नहीं दिया। आई होप दिस टाइम यू विल हेल्प मी एंड नॉट कंपेल मी टू नॉक द डोर ऑफ कंज्यूमर कोर्ट, और मुझे लगता है ऐसी आशा है मुझे कि इस बार आप मुझे निराश नहीं करेंगे, मेरी हेल्प करेंगे, इस मोबाइल को या तो रिपेयर करके देंगे या रिप्लेस करके देंगे, नहीं तो फिर मैं कंज्यूमर कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाऊंगा। यू आर रेगुलर कस्टमर सुमन एंड सुमित, और उसके नीचे आपको लिखना है, आपकी सिग्नेचर करना है आपको। तो ये था फॉर्मल लेटर्स लिखने का फॉर्मेट, मैंने आपको एक एग्जांपल देकर यहाँ पे समझाया। अगर आपको अच्छा लगा हो तो मेरा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिएगा।